नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली के रैन बसेरों को लेकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 23 दिसंबर को दिल्ली के रैन बसेरों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शौचालयों में सुविधाओं की कमी के कारण नाराजगी जताई थी। इन रैन बसेरों की हालात देखकर एलजी वीके सक्सेना ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नाइट शेल्टर्स के रखरखाव को देखने वाली एजेंसी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के विशेष निदेशक के पद से के महेश को हटाते हुए एलजी सक्सेना ने नौकरशाही को कड़े शब्दों में एक संदेश भी दिया। उन्होंने नौकरशाही से ईमानदारी के साथ काम करने को कहा। आपको ये भी बता दें कि रैन बसेरों के निरीक्षण के बाद एलजी वीके सक्सेना ने ट्वीट कर रैन बसेरों की हालात को बयां करते हुए अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देर रात आईएसबीटी स्थित रैन बसेरों का दौरा किया गया। यहां तक कि बेघरों के लिए रात भर सोने की सुविधा संतोषजनक होने के बावजूद हजारों की संख्या में फुटपाथ पर सोने के साथ उनकी संख्या बहुत कम है। शौचालय के अभाव में खुले में शौच और नहाने को विवश है। बहरहाल रैन बसेरों की इस हालत पर एलजी वीके सक्सेना ने तुरंत एक्शन ले लिया है और उन्होंने DUSIB के विशेष निदेशक के पद से के महेश को हटाने के बाद उनकी जगह सामाजिक कल्याण विभाग की सचिव गरिमा गुप्ता को DUSIB का पदभार सौंपा है। इसके साथ ही के महेश के खिलाफ कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज़ को।